एसएल भूमिका परमा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वर्किंग इन गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन में यूनिट फोर के टॉपिक फ्लडिंग के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो फ्लडिंग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फ्लडिंग, जैसा कि हमें पता है कि ये एक राउटिंग एल्गोरिथम होता है, तो फ्लडिंग को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि राउटिंग क्या होता है और राउटिंग एल्गोरिथम कितने तरह के होते हैं। राउटिंग से मीनिंग है, जैसा कि इसका नाम है राउटिंग, राउटिंग से मीनिंग है रूट प्रोवाइड करना किसी भी नेटवर्क में, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में किसी भी पैकेट को ट्रेवल कराना होता है, वो होता है राउटिंग। और राउटिंग मेनली नेटवर्क लेयर पे यूज में आता है। द मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इज टू प्रोवाइड द राउट टू ए पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन द नेटवर्क। जैसा कि हमने अभी देखा कि राउटिंग का मीनिंग होता है पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में रूट प्रोवाइड करना। एंड द पैकेट विल ट्रेवल थ्रू द मल्टीपल होप, होप मीन्स नोड, जितनी भी नेटवर्क के अंदर नोड पैकेट को ट्रेवल करने के लिए यूज में आती है वो होता है टू मेक द इट्स पाथ, मतलब अपना रास्ता बनाने के लिए एक पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मल्टीपल नोड से होते हुए जाना पड़ता है। द राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। राउटिंग क्या है? प्रोसेस है पैकेट्स को भेजने का सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, और जब ये सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जाता है तो मल्टीपल नोड को होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। द मेन जॉब ऑफ नेटवर्क लेयर इज टू प्रोवाइड द बेस्ट राउट टू ट्रांसफर द पैकेट इज डिटरमाइंड बाय द राउटिंग एल्गोरिथम। राउटिंग एल्गोरिथम का मेन काम क्या होता है कि बेस्ट रूट प्रोवाइड करना पैकेट्स को नेटवर्क लेयर में भेजने के लिए, सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए उसको बेस्ट रूट प्रोवाइड कराना। हम देखते हैं यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिथम दो तरह के हैं, अडेप्टिव राउटिंग एंड नॉन अडेप्टिव राउटिंग। जैसे कि नाम है, अडेप्टिव राउटिंग से मीनिंग है कि अडेप्ट करना, चेंजेस को हम अडेप्ट कर सके बीच के अंदर। एंड नॉन अडेप्टिव से मीनिंग है कि हम जो हमने वैल्यूज फिक्स कर दिया वो चेंज नहीं होती है। तो पहले हम अडेप्टिव राउटिंग देखते हैं। अडेप्टिव राउटिंग का हम उसको डायनेमिक राउटिंग के नाम से भी जानते हैं। डायनेमिक मीन्स चेंज, गतिशील, जैसे हम हिंदी में इसको गतिशील कहते हैं, तो वो है चेंज को एक्सेप्ट करना। दिस एल्गोरिथम चेंज देयर राउटिंग डिसीजन बेस अपॉन द चेंज इन द टोपोलॉजी और चेंज इन द नेटवर्क ट्रैफिक। मतलब अपने जो राउटिंग डिसीजन उन्होंने लिए है वो ये रास्ते में बीच में चेंज कर सकता है, डिपेंड्स ऑन अगर कोई टोपोलॉजी चेंज हो जाती है या नेटवर्क में कहीं ट्रैफिक आ जाता है तो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो अडेप्टिव है, चेंज एक्सेप्ट करता है। द मेन पैरामीटर्स आर यूज इन एल्गोरिथम फॉर ऑप्टिमाइजेशन मीन्स बेस्ट राउट प्रोवाइड करने के लिए जो पैरामीटर्स है वो होप, काउंट, डिस्टेंस और एस्टिमेटेड ट्रांजिट टाइम, मतलब कितना समय उसको लग सकता है। ये सब पैरामीटर को देखते हुए हम इसमें अपने राउट को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग और भी अडेप्टिव राउटिंग के एग्जाम्पल है। दूसरा हम अब देखते हैं नॉन अडेप्टिव मीन्स जो चेंज को अडेप्ट नहीं कर रहा, मतलब फिक्स है, तो इसको हम स्टेटिक राउटिंग के नाम से भी जानते हैं। स्टेटिक मतलब फिक्स, आपने जो एक बार वैल्यू सेट कर दिया वो पूरे एल्गोरिथम के ड्यूरेशन में वो वैल्यूज चेंज नहीं होगी। इट डू नॉट टेक द राउटिंग डिसीजन बेस अपॉन द नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क ट्रैफिक, और नेटवर्क टोपोलॉजी के हिसाब से अपने राउटिंग डिसीजन को चेंज नहीं करते हैं, उसके हिसाब से हमारे राउटिंग डिसीजन नहीं बनते हैं। द राउटिंग इंफॉर्मेशन इज कंप्यूटेड इन द एडवांस, एडवांस में हमने पहले ही कैलकुलेट कर दी है, एंड स्टोर टू द राउटर्स व्हेन नेटवर्क इज बूटेड। जब नेटवर्क स्टार्ट होता है हम एडवांस में ही वैल्यू सेट कर देते हैं, इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है नेटवर्क टोपोलॉजी और ट्रैफिक के कारण, इसलिए हमने इसको स्टेटिक कहा है, फिक्स कहा है। एग्जाम्पल्स है फ्लडिंग एंड शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग एल्गोरिथम। तो हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे फ्लडिंग, जो कि एक नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम है, मीन्स जो स्टार्टिंग में वैल्यूज सेट कर दिया है, इंफॉर्मेशन सेट कर दिया है, वो चेंज नहीं होंगे पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में। अब हम बात करते हैं फ्लडिंग की। जैसा कि ये नाम है फ्लडिंग, फ्लडिंग से मतलब है, सिंपल मीनिंग है फ्लडिंग से बाढ़ आना, एक्सेस होना किसी भी चीज का।
तो ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं. इन दिस एल्गोरिथम ईच इनकमिंग पैकेट्स इज सेंट आउट ऑन एवरी आउट गोइंग लाइन. मीन्स जो भी एक पैकेट किसी नोड पे आएगा उसको हम बाहर भेज देंगे, जितनी भी उसके आउट गोइंग लिंक्स है वहां पे उसकी कॉपीज बना के सब पे बाहर भेज देंगे. लेकिन इट डज नॉट सेंड आउट ऑन द लिंक वेयर विच इट हैज अराइव, जहां से वो आया है वहां पे नहीं भेजेंगे. उसके अलावा जितने भी आउट गोइंग लिंक है वहां पे सब पे उसको हम कॉपी बना के भेज देंगे. जैसा कि ये हमने डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा एक नेटवर्क है जहां पे हमारे पास नोड है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. हम देखते हैं नोड 1, नोड 2, नोड 3 और नोड 4 से कनेक्टेड है. मीन्स अगर नोड 1 से एक पैकेट ट्रेवल होता है तो वो नोड 2 पे भी जाएगा, नोड 3 पे भी जाएगा और नोड 4 पे भी जाएगा, लेकिन नोड 1 के आगे से नहीं जाएगा. फिर जैसे यहाँ पे नोड 2 पे पैकेट आया है तो वो उसके आउटगोइंग लिंक मतलब नोड 3 पे भी जाएगा और नोड 4 पे भी जाएगा. 4 के पास जो पैकेट आया है वो 4 से जो आउटगोइंग लिंक है नोड 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा और 5 पे जाएगा. 3 के पास जो पैकेट आया है वो जाएगा 2 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे. इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एक पैकेट हमें नोड 1 से रिसीव हुआ था उसकी कितनी कॉपी बन गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कॉपीज जनरेट यहाँ पे हो गई है. और वो जहां से आया है वहां हम नहीं भेज के बाकी रिमेनिंग लिंक्स पे हम उसको ट्रेवल करा रहे हैं. तो एनी हाउ मल्टीपल कॉपीज और ऐसे ही घूमते हुए पैकेट्स एंड में जैसे ये पैकेट्स यहाँ से रिसीव होगा, नोड 5 पे पैकेट्स आएगा, नोड 3 से भी आ रहा है और नोड 4 से भी आ रहा है. तो 5 के पास जो पैकेट आएगा वो वापस हम भेजेंगे 6 पे. तो डेस्टिनेशन हमारा अगर 6 है तो 6 पे मल्टीपल पैकेट्स यहाँ पे रिसीव होते हैं. तो एक पैकेट को डेस्टिनेशन रिसीव करेगा जो मेन है और उसके बाद में जो मल्टीपल कॉपीज आएगी उसको हम डिस्कार्ड करते रहेंगे. तो फ्लडिंग से मीन्स है कि इस नेटवर्क के अंदर एक ही पैकेट के नंबर ऑफ कॉपीज की कॉपीज बन जाना जो कि नेटवर्क के अंदर ट्रेवल करते रहते हैं. फ्लडिंग का एल्गोरिथम इजी टू इम्प्लीमेंट है, इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन मेन डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, एक्सेस हो गया है, तभी इस एल्गोरिथम का नाम हमने दिया है फ्लडिंग बाढ़. यहाँ पे एक पैकेट्स की बाढ़ आ गई है. तो मेन हमारा प्रॉब्लम क्या है इसका, लार्ज नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स पैकेट ऑन द नेटवर्क. एक नेटवर्क में एक ही पैकेट के खूब सारे नंबर हमारे पास जनरेट हो गए हैं, डुप्लीकेट कॉपीज बन जाती है. तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स है, हम उसको स्टडी करते हैं. सेवरल मेथड्स आर टेक टू स्टॉप द डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट्स. हमारे पास मेथड्स है उस डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट्स को रोकने के लिए. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है होप काउंटर. मीन्स हम एक काउंटर लेके चलते हैं जिसको कंटेंट इन द हेडर ऑफ ईच पैकेट टू स्टॉप दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैकेट. जो कि डुप्लीकेट पैकेट्स बन रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए हमने हर एक पैकेट के हेडर में एक होप काउंटर डाल दिया है. अब इस होप काउंटर की वैल्यू हर एक नोड पे, जैसे ही हर एक नोड पे ट्रेवल करेगा इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट 1 कम हो जाएगी, डिक्रीमेंट बाय 1. द वैल्यू ऑफ होप काउंटर इज डिक्रीमेंट बाय 1 एट ईच होप अलोंग इन द पाथ. रस्ते में जैसे जैसे आगे ट्रेवल करेगा इसकी वैल्यू एक एक नोड पे जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 कम हो जाएगी. जैसे ही होप काउंटर का वैल्यू 0 होगा हम उस पैकेट को नेटवर्क में से डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे. When the value of the counter reaches to the zero, the packet is discard. This packet discard हो जाएगा. अब बात आती है कि hop counter की value क्या हो. Hop counter को हम initialize करेंगे starting में path की distance के हिसाब से. Length जितना है हमारा source से destination का, उसकी distance को हम hop counter की value से initialize कर देंगे. The hop counter should be initialized with the length of path from source to डेस्टिनेशन. और होप काउंटर की वैल्यू सेंडर साइड से इनिशियलाइज होती है. और इफ एनी केस अगर हमें इसका पाथ पता नहीं है सोर्स से डेस्टिनेशन का, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे जो पूरा डायमीटर है हमारा नेटवर्क का, उस डायमीटर की लेंथ जिसकी वैल्यू हम होप काउंटर में स्टोर करा देंगे. इन द वर्स्ट केस इट इनिशियलाइज विद द फुल डायमीटर ऑफ द नेटवर्क व्हेन सेंडर डोंट नो अबाउट द पाथ लेंथ ऑफ पाथ. ये एक तरीका था होप काउंटर का. दूसरा तरीका, अनदर मेथड इज टू कीप द ट्रैक ऑफ पैकेट दैट हैव बीन फ्लडेड
अवॉइड सेंडिंग देम आउट सेकेंड टाइम. मीन्स हमें पैकेट्स का ट्रैक रखना है कि कौन कौन से पैकेट को हमने फ्लड कर दिया है तो हम उसको दोबारा नहीं भेजें. उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस सोर्स राउटर स्टार्टिंग में जो सोर्स राउटर है पुट ए सीक्वेंस नंबर इन द ईच पैकेट इट रिसीव फ्रॉम इट्स होस्ट. जो सोर्स राउटर है पहला राउटर है वो हर पैकेट के अंदर क्या लिखेगा, सीक्वेंस नंबर डाल देगा. जहाँ से भी जिस होस्ट से भी वो आया है वहाँ से हर पैकेट के अपने ही सीक्वेंस नंबर होंगे और ये सीक्वेंस नंबर हर राउटर पे उसकी लिस्ट को हम अपडेट कर देंगे. ईच राउटर देन नीडेड ए लिस्ट पर सोर्स राउटर टेलिंग विद सीक्वेंस नंबर ओरिजिनेटिंग एट दैट सोर्स हैज ऑलरेडी बीन सीन. मीन्स हर राउटर पे हम उस सोर्स राउटर से जो सीक्वेंस नंबर की लिस्ट आई है उसको अपडेट कर देंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन से सोर्स से कौन से सीक्वेंस नंबर का पैकेट फ्लड हो गया है. जो पैकेट फ्लड हो गया होगा उसको हम आगे नहीं भेजेंगे और जो नहीं फ्लड हुआ होगा उसको हम आगे भेजेंगे. इफ एन इनकमिंग पैकेट इज नॉट इन द लिस्ट, मतलब उस सीक्वेंस की लिस्ट में नहीं है राउटर के पास उस लिस्ट में ऑन द लिस्ट में नहीं है तब तो हम उसको फ्लड करेंगे. अगर वो लिस्ट में है इज ऑन द लिस्ट इट इज नॉट फ्लडेड, उसको हम आगे फ्लड नहीं करेंगे. तो दूसरा मेथड है कि हम पैकेट्स में सीक्वेंस नंबर लगाएंगे और उसको चेक करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस नंबर का पैकेट आगे फ्लड हुआ हुआ है और कौन सा नहीं हुआ हुआ है. नेक्स्ट मेथड इज द सेलेक्टिव फ्लडिंग. सेलेक्टिव मतलब जहां हमें जरूरत है वहीं भेजना. इन दिस राउटर डू नॉट सेंड एवरी इनकमिंग पैकेट आउट द एवरी आउटगोइंग लाइन. जैसे कि सिंपल मेथड हमने देखा था कि जो पैकेट आया है इनकमिंग उसको जितनी भी आउटगोइंग लाइन सब पे भेजना, लेकिन सेलेक्टिव फ्लडिंग में ऐसा नहीं होगा. सेलेक्टिव फ्लडिंग में हम सिर्फ उसको वहां भेजेंगे उस आउटगोइंग लिंक पे भेजेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा डेस्टिनेशन मिल रहा हो. हर एक लिंक पे भेजना जरूरी नहीं है. द पैकेट इज ओनली सेंट ऑन दोज लाइन्स और लिंक्स विच आर अप्रोक्सीमेटली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. हर एक लिंक पे ना भेज के हम सिर्फ उसी लिंक पे भेजें जो हमारे डेस्टिनेशन टुवार्ड्स आगे ट्रेवल कराने का हमारा रास्ता हो. तो ये हमारे मेथड्स थे फ्लडिंग में जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैकेट्स नेटवर्क में आ जाता है उसको रोकने के लिए. अब हम देखते हैं एडवांटेज. जैसा कि हमने देखा इसमें खूब सारी मेन डिसएडवांटेज है कि नंबर ऑफ पैकेट्स की बाढ़ आ जाती है, डुप्लीकेट नंबर ऑफ पैकेट्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी फ्लडिंग की एडवांटेज है क्योंकि ये इजी टू इम्प्लीमेंट है. इम्प्लीमेंट करना इसको बहुत ईजी है, लेकिन इसका मेन वर्क नहीं है. फ्लडिंग जो है वो सिंपली एक रास्ता नहीं है, राउटिंग एल्गोरिथम नहीं है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही भेजना, नहीं. इसका मेन काम क्या है, द फ्लडिंग इज नॉट सेंडिंग मोस्ट ऑफ पैकेट टू द सिंगल डेस्टिनेशन. इट इंश्योर दैट पैकेट इज डिलीवर टू द एवरी नोड इन द नेटवर्क. ये इंश्योर करता है कि पैकेट जिस नोड पे नेटवर्क पे जाना है वहां पे डिलीवर हो. एंड दिस इज इफेक्टिवली फॉर द ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन टू ऑल द स्टेशन इन द वायरलेस नेटवर्क. फ्लडिंग का जो काम है वो लार्ज मैसेज सेंड करने के लिए नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, पैकेट्स की डुप्लीकेट कॉपी बहुत होती है. मेन इसका काम क्या है, इफेक्टिवली कब काम करता है, ब्रॉडकास्ट करने के लिए किसी भी प्रीसियस इंफॉर्मेशन जो कि हमारी कोई इमरजेंसी इंफॉर्मेशन इमीडिएट मैसेज है उसको सब स्टेशन पे ब्रॉडकास्ट करना है, वहां पे ये काम आता है. दिस इज इफेक्टिवली यूज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन सबको भेजने के लिए टू द वायरलेस नेटवर्क. दूसरा, इट इज हाईली रोबस्ट. इफ ए लार्ज नंबर ऑफ राउटर आर एक्सप्लोडेड इट विल बी फाइंड ए पाथ टू द डेस्टिनेशन. सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास नेटवर्क में कुछ नंबर ऑफ राउटर्स एक्सप्लोड हो जाते हैं मतलब खराब हो रहे हैं तब भी ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ एनी हाउ फाइंड कर लेगा अलग अलग रास्ते से जाते हैं. मेनली इसका काम कहाँ आता है, मिलिट्री नेटवर्क्स में यूज में आता है टू सेंड एमरजेंसी और इमीडिएट मैसेज. ये सिर्फ एमरजेंसी और इमीडिएट मैसेज ही भेजता है. नॉर्मल मैसेज और नॉर्मल पैकेट्स और डेटा को ट्रेवल कराने के लिए फ्लडिंग का यूज नहीं किया जाता है. और इट इज ऑलवेज चूज द शॉर्टेस्ट पाथ. फ्लडिंग ऑलवेज चूज द शॉर्टेस्ट पाथ अपने मैसेज को भेजने के लिए बिकॉज इट इज चूजेज एवरी पॉसिबल पाथ इन द पैरेलल. क्योंकि इसके पास पैरेलल में सारे रास्ते हैं तो ये सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ को ही लेगा जो कि डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंचाने के लिए. और इसका मेन काम सिंगल पैकेट को डेस्टिनेशन पहुंचाने का नहीं है, ये मेनली मिलिट्री सर्विसेज में यूज में आता है एमरजेंसी मैसेज को भेजने के लिए जाकर, और
इमरजेंसी मैसेज को इमिडिएटली ब्रॉडकास्ट कराने के लिए, ताकि हर एक डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन तक, हर एक स्टेशन तक वो मैसेज पहुंच सके। ये मेन एडवांटेज है हमारे फ्लडिंग की। तो ये जो हमने अभी देखा फ्लडिंग के बारे में पढ़ा, जो कि एक राउटिंग एल्गोरिथम है, नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम है, जो भी इसकी राउटिंग की वैल्यूज है, इंफॉर्मेशन है, वो स्टार्टिंग में चेक करके नेटवर्क के राउटर पे बूट कर दी जाती है और उसके बाद में इसका वर्क स्टार्ट होता है और ये मिलिट्री सर्विसेज में यूज में आता है। तो ये हमने अभी जो पढ़ा वो सारा फ्लडिंग था, राउटिंग एल्गोरिथम था। थैंक यू सो मच।